पले अमरदास गुर तेरे, तेरी उपमा तूहे बनावे। शांति सेवा दे सहनशीलता दे पुंज श्री गुरु अमरदास जी। वडेरी उम्र च भी आपने गुरु साहब जी की जो अणथक सेवा की थी, उसका जिक्र कहण कथन तो परे है। गुरु अमरदास जी का जन्म अमृतसर के वासरके विखे पिता श्री तेजपान के ग्रह मई 1479 ईस्वी में होया। गुरु अमरदास जी की उम्र विच श्री गुरु नानक देव जी तो 10 साल छोटे सन, श्री गुरु अंगद देव जी तो करीब 25 साल वड्डे सन। आप जी का विआह राम कौर के नाल होया। आप दे घर दो पुत्र बाबा मोहन बाबा मोरी ते दो धीआं बीबी पानी ते बीबी दानी का जन्म होया। आप जी का परिवार वैष्णो पंथ नूं मनण वाला सी ते अपने पितावान गुरु अमरदास जी मुड़ तो धार्मिक रुचियां दे मालक सन। एक ही बार गंगा इशनान कर चुके गुरु अमरदास जी ने एक दिन बीबी अमरोत दे मुख तो गुरबाणी सुनी, जिसने आप दे मन ते डूंगा असर किया। आपने खडूर साहिब पहुंच के श्री गुरु अंगद देव जी दे दर्शन किए ते उन्हां नूं अपना गुरु कर लिया। गुरु अमरदास जी की उम्र उस वेले 62 साल के करीब सी ते करीब अंगद देव जी उन्हां दी उम्र 36 साल सी। गुरु अमरदास जी की उम्र वडेरी सी पर आपने खडूर साहिब टिक के गुरु की संगत ते सेवा का फैसला किया। इस तरह लगातार 11 साल तनदेही दे नाल सेवा निभाई। 73 साल की उम्र च आप अमृत वेले उठ के हर रोज 2.5-3 को दूर ब्यास दरिया तो पानी की गागर भर के लियाउंदे ते गुरु अंगद साहिब नूं इशनान करवाउंदे। इस तों इलावा लंगर सेवा, भांडे मांजण की सेवा, संगत नूं पक्खा चलण वर्गियां सेवावां आप दा नितनेम बन गईआं। आप जी वल्लों गुरु दे पूर्ण श्रद्धा दीआं कई साखियां मिलदीआं ने। एक वार चखड़ वाली रात नूं तेज हवावां मीह ते कड़कदी बिजली दी परवाह ना करदे होए आप जी ने गुरु जी दे इशनान दे लई ब्यास दरिया तों पाणी लिआंदा। राज पैंदी जुलाइयां दी खड्डी दे नाल ठेडा खा के आप डिग गए पर मोढ़े तो गागर ना डिगण दित्ती। बाहर खड़ाक सुन के जुलाई ने अपनी घरवाली नूं पुछिआ, बाहर कौन है? अगो जुलाही ने आख्या, उही हुणा अमरू निथावा। जो रात नूं भी चैन नहीं लैंदा। जुलाही दे बोल सुन आप जी ने आख दित्ता, कमलीए पहला तां मैं निथाहां सी पर हुण मैं गुरु अंगद साहिब जी दे नाल जुड़ के निथावे तों थां वाला हो गया। जो गुरु अंगद देव जी नूं इस गल का पता लगता है तो उन्होंने आप दे सेवा भाव की सराहना करदे आप नूं निथाव्यां दा थां, निमाण्यां दे माण, निताण्यां दा निताण, न्यासरियां दा आस, न्योटियां दी ओट, नितारियां दी तिर ते निगदियां दी गत कह के नवाजिया। गुरु अमरदास जी की सेवा ते प्रभु भगती तो गुरु अंगद साहिब इन्ने प्रसन्न हुए कि एक दिन अमरदास नूं गुरु गद्दी ते वारस थाप के निथाव्यां दी थां बना दित्ता। गुरु अमरदास जी ने गुरु नानक साहिब दे आदर्श नूं अगे तोरदे हुए गुरु का लंगर कायम प्रथा कीती। आप जी दे दर्शन करन आईआं संगतां नूं हुकम कीता गया कि दर्शन तो पहला लंगर च हर सेवक प्रशादा छके। यह हुक्म हर छोटे वड्डे लई बराबर सी, इत्थां कि उस समें दे बादशाह अकबर नूं भी पंगत दे विच लंगर छकण दा हुक्म मनणा पिया। गुरु अमरदास जी ने खडूर साहिब दी थां गोइंदवाल साहिब नूं सिख धर्म दे प्रचार दा केंद्र बनाया ते सिक्खी दे प्रचार दे लई वक्-वक् 22 मंजियां ते 52 पीड़े स्थापित कीते। इस तों इलावा गुरु साहिब ने समाज विचों वहम भरम ते जात पात खत्म करन दे लई विशेष कदम चुके। सती प्रथा, कुंड कढ़न दी प्रथा ते मरन पिछों कीतियां जांदियां भैड़ियां रस्मां नूं दूर कीता। माझे च गुरु अमरदास जी ने सिखां दे केंद्र दे लई अमृतसर वाली जगह चुनी। चार पिंडां गुमटाला, तुंग, सुल्तानगढ़ ते गिलवाड़ी नूं मिला के एक पिंड बनाया, जिसका नाम गुरु का चक रख्या गया। इस पिंड नूं वसाउण दा कार्ज
गुरु रामदास जी ने किया जिथे पंचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री हरिमंदर साहब की नींह रखी। आखिरकार सचखंड वापसी जाण दा समा जाण के गुरु अमरदास जी ने भाई जेठा जी नूं गुरु रामदास के रूप च अपना उत्तराधिकारी चुनिया ते गुरु रामदास जी नूं गुरु थाप के 1 सितंबर 1574 ईस्वी नूं ज्योति जोत समा गए। मनुखता की रहनुमाई के लिए आप जी के वलों रची बाणी के 17 रागां च 869 शब्द ने जो जीवन नूं आनंद बख्शते ने। न्यूज़ डेस्क तो मनजीत विश्वास की रिपोर्ट दर्शन टीवी के लिए।